घात घात और घातांक हम पहले करेंगे घात और घातांक क्या होते हैं उदाहरण के लिए दो की घात पांच दो की घात पांच घातांक है दो आधार है और पांच हमारी घात है तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं दो की घात दो की घात पांच यहां पर दो क्या है आधार और पांच क्या है घात अब हम करेंगे घातांक के नियम घातांक के नियम पहला नियम जब खाते बराबर हो जब हमारी खाते बराबर हों उदाहरण के लिए ए की घात एम और B की घात m यहाँ पर हम देख सकते हैं घात m है जो A की भी m है और B की भी m है यानी हमारी घाते बराबर हैं हमारी घाते बराबर हैं अगर घात बराबर हो तो हम आधार को गुना कर देते हैं जैसे यहाँ पर हमारा आधार ए है और बी है तो हम आधार को गुना कर देंगे और उसके ऊपर एक ही खात लिख देंगे जैसे उदाहरण दो की घात दस गुना तीन की घात दस यहां हम देख सकते हैं घात दो की भी दस है और तीन की भी दस है दो और हमारे आधार दो और ये हमारे आधार हैं दो और तीन तो अब हम क्या करेंगे हमारा कौन सा नियम हुआ ये आधार हमारे अलग हैं घाते बराबर हैं घाते बराबर हैं तो हम आधार को गुना कर देंगे जैसे दो गुना तीन और उसके ऊपर घात को लिख देंगे दो गुना तीन क्या होता है छ दो छ और घात हमारी क्या हो जाएगी दस एक बार फिर से देखेंगे हम दो की घात भी दस है तीन की घात भी दस है यानी कि कौन सा रूल हो गया घात बराबर नियम घात बराबर नियम क्या कहता है कि आधार को गुना कर दो आधार को गुना कर दिया दो गुना तीन ऊपर घात एक ही बार लिख दी दो गुना तीन छे होता है छे की घात दस हमारा उत्तर है अब हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा दूसरा नियम है हमारा दूसरा नियम हमारा दूसरा नियम है जब आधार बराबर हो जब आधार बराबर हो इसको हम आगे इस नियम को आगे हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं जैसे कि आधार गुणा में हो और आधार भाग में हो अगर हमारे आधार गुणा में हो, जैसे कि a की घात m है और गुणा a की घात n है यहाँ पर हम देख सकते हैं आधार सेम है आधार क्या है a, आधार क्या है a यहाँ पर हम देख सकते हैं आधार सेम है ए लेकिन घाते अलग है, अलग हैं, घाते अलग है, अलग हैं घाते अलग अलग हैं घाते अलग अलग है तो हम क्या करेंगे हम इन घातों को जमा कर देंगे अगर आधार बराबर हैं और गुना में हैं तो हम घातों को जमा कर देंगे जैसे पहले लिखेंगे आधार ए लिख दिया फिर हम घातों को जमा कर देंगे एम जमा एन इसी प्रकार हम भाग वाला करेंगे नियम जैसे ए की पावर एम मीन्स मतलब कि a की घात एम है भाग ए की घाट एन है यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे आधार तो बराबर है पर जो हमारी घाते हैं वो अलग हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे आधार लिख कर घातों को घटा देंगे ये था हमारा दूसरा नियम जिसके हम कुछ उदाहरण करेंगे उदाहरण के लिए दो की घात चार गुना दो की घात सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है हमारी घाते सेम है क्या नहीं हमारी घाते बराबर नहीं है अब हम देखेंगे आधार बराबर है क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं, आधार बराबर है दो और दो अगर हमारे आधार बराबर हैं, फिर हम क्या देखेंगे कि आधार गुना में है कि भाग में है यहाँ पर आधार गुना में है अगर हमारे आधार गुना में है तो हम घातों को जमा कर देंगे देखिए कैसे करेंगे हम आधार को एक बार लिख देंगे ऊपर घातों को जमा कर देंगे जैसे कि चार प्लस छ दस इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है दो की घात दस ऐसे ही हम एक और उदाहरण करेंगे दो दो की घात भाग दो की घात पाँच यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी घाते अलग अलग हैं लेकिन आधार बराबर हैं और आधार भाग में है अगर हमारे आधार भाग में होते हैं तो हम घातों को घटा देते हैं जैसे हम पहले लिखेंगे आधार फिर ऊपर से घातों को घटा देंगे छे में से पांच गए एक तो दो की घात एक मेरा उत्तर है। अभी तक हमने दो नियम करे जब हमारे हमारी घाते क्या हो जब त, जब हमारी घाते बराबर हो तब हम क्या करते हैं आधार को गुना कर देते हैं दूसरा नियम किया जब हमारी घातें अलग हों आधार सेम हों आधार बराबर हों अगर हमारे आधार बराबर होते हैं तो हम घातों को जमा कर देते हैं अगर घाते अगर आधार किस में है गुना में है, अगर आधार भाग में है तब हम घातों को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं घटा कर देते हैं अब हम अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं तीसरा नियम अगर किसी भी आधार की घात जीरो हो तो उसका उत्तर एक होता है जैसे दो की घात जीरो इसका उत्तर क्या है एक हम और उदाहरण करेंगे जैसे कि चार की घात जीरो प्लस दो की घात जीरो तो चार की किसी भी आधार की घात जीरो होता है तो क्या होता है वन दो की घात जीरो है तो क्या होता है वन एक जमा एक क्या हो गया दो ये हमारा बहुत सरल सा नियम है अगर किसी भी आधार की घात जीरो हो तो हमने उसका उत्तर एक लिख देना है उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है दो की घात जीरो मतलब कि एक तीन की घात जीरो मतलब कि एक अब हम अपना अगला नियम करेंगे जो है हमारा चौथा नियम चौथे नियम में अगर a की घात एम और ब्रैकेट के ऊपर घात एन है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो दो घाते हो गई ना इन दो घातों को हमें एक बनाना होगा हम कैसे बना सकते हैं इन दो घातों को एक इन दो घातों को एक बनाने के लिए हम इन्हें गुना कर देते हैं जैसे की N, a की घात m मल्टीप्लाइ एन मीन्स ए की घात m गुना एन हम इसका उदाहरण करके देखते हैं अगर छ की घात चार ब्रैकेट में घात सात हमने इसे एक ही घात बनाना है तो की घात अट्ठाईस सात गुना चार हम कैसे लिखेंगे छ की घात सात गुना चार सात गुना चार अट्ठाईस तो इस तरह हम अपनी घात को एक घात में भी बदल सकते हैं। ये बहुत आसान है। और अगर हमारी घाते अगर हमारा घातांक ऐसे लिखा हुआ है दो की घात चार और तीन की घात चार तो हम यहाँ पर जो हमारे घातांक है उसे एक ही घात में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जो घात है वो बराबर है एक और करेंगे नियम हम छठा नियम अगर घात घात ऋणात्मक हो तब क्या करेंगे जब हमारी घात ऋणात्मक हो तब हम इसे जैसे उदाहरण के लिए दो की घात माइनस तीन दो की घात माइनस तीन इसे हम लिखेंगे इसे हमने जमा की घात बनाना है तो हम बस इसे उल्टा कर देंगे एक बटा दो की घात तीन एक बटा दो की घात तीन बस और अगर हमने उल्टा करना हो मतलब अगर हमने अगर हमने जमा की घात को घटा की घात में बनाना हो तो हम इसे दोबारा से उल्टा कर देंगे अब देखिए अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे पहला प्रश्न आता है मान ज्ञात करो पहला प्रश्न आता है मान ज्ञात करो जैसे कि तीन की घात माइनस दो हम क्या करेंगे पहले तो हम इसे जमा की घात में बदलेंगे इसको उल्टा करके हमने उलट दिया एक बटा तीन की घात दो एक बटा तीन की घात दो अब हम इसे क्या करेंगे अब तीन की घात दो का मतलब होता है तीन दो बार और तीन तिया नो होता है तो मेरा मान क्या आ गया मेरा मान आ गया एक बटा नो और ये मेरा उत्तर है हम दोबारा देखेंगे हमने कैसे किया तीन की घात माइनस दो पहले क्या करेंगे इसे घात को जमा की घात में बदल देंगे क्योंकि हम घटा की घात को नहीं खोल सकते एक बटा तीन की घात दो तीन की घात दो का यहां पर क्या मतलब है तीन दो बार हमने तीन को दो बार गुना में लिख लिया तीन गुना तीन कितना होता है नो तो तीन की घात माइनस दो का हमारा मान क्या निकला एक बटा नो ऐसे ही हम और उदाहरण कर सकते हैं जैसे दूसरा प्रश्न अगर एक बटे दो की घात माइनस पांच है तो अब हम इसे उल्टा देंगे उल्टाना मतलब दो बटे एक की घात पांच हमारा तो मेन हमा, हमने मेनली क्या करना है हमने घात को जमा में बदलना है जो तभी बदली जाएगी अगर हम इसे उलट देंगे तो हमने उलट दिया उलटने पर हमें पता चला दो की घात पांच मतलब दो को पांच बार लिख तो दो तो चार दो दुनी चार चार चौके सोलह और सोलह दुनी बत्तीस ये मेरा उत्तर है हम एक बारी फिर से देखेंगे यहाँ पर एक बटे दो की घात माइनस पांच थी हमने क्या किया दो बटे एक की घात पांच कर दिया क्योंकि हमने ये हमारी क्या है ऋणात्मक घात है ऋणात्मक को हमने जमा वाली घात में बदलना था जमा वाली घात में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है उसे उलटना पड़ता है जैसे एक बटे दो था तो उलट दिया क्या कर दिया दो बटा एक दो बटा एक की पांच का मतलब है एक एक को पांच बार लिखूंगी तो एक ही होता है दो को पांच बार लिखो दो गुना दो गुना दो गुना दो, दो गुना दो 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 गुना क्या हो गया बच्चों? चार। दो गुना दो चार दो को हमने ऐसे लिख दिया फिर चार गुना चार सोलह सोलह गुना दो क्या आ गया मेरे पास बत्तीस जो मेरा उत्तर है अब हम कुछ और प्रश्न करेंगे जो इस प्रकार है धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करो धनात्मक घटांग के रूप में व्यक्त करो धनात्मक घटांग मतलब जमा की ऋणात्मक घटांक मतलब घटा की हम करेंगे तीन की घात माइनस सात भाग तीन की घात माइनस दस गुना तीन की घात माइनस पांच अब हमने यहाँ पर नियम लगाने हैं ध्यान से नियम लगाने हैं देखिए यहाँ पर हमारे क्या है आधार बराबर हैं, और जो हमारी घातें अलग अलग हैं, हम क्या करेंगे और एक और चीज ध्यान में रखनी होती है और आधार भाग में है तो हम अपनी घातों को क्या कर देंगे घटा देंगे माइनस सात घटा माइनस दस इसे हम एक ब्रैकेट में कर देंगे और साइड वाला ऐसे ही उतार देंगे अब हम पहले घातों को सरल रूप में व्यक्त करेंगे माइनस सात ऐसे ही लिख देंगे क्या होता है माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट बंद दस में से सात गए तीन अब फिर क्या हो गया घाते क्या हैं यहां पर अलग अलग और आधार बराबर है और गुना में है तब हम क्या करते हैं इसे जमा कर देते हैं जैसे तीन ये मेरी क्या आ जाती है तीन माइनस पांच तीन माइनस पांच का मतलब तीन की घात माइनस दो तो। इसको हम ऋणात्मक कैसे बदल सकते हैं उलट कर एक बटे तीन की घात दोबारा से देखेंगे हमने यहाँ पर सिर्फ नियम लगाए हैं नियम भी कौन सा जो नियम था जहाँ पर हमारी जो घाते होती हैं वो अलग होती है लेकिन आधार बराबर होते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार बराबर है आधार बराबर है और भाग में है हम क्या करेंगे घटा घातों को घटा देंगे माइनस सात लिखा ऐसे ही माइनस का साइन लगाया निशान लगाया घटा का फिर हमने घटा के दस को ऐसे ही उतार दिया अब हमें पता है घटा घटा जमा बन जाता है फिर हमने क्या किया दस में से सात को घटा दिया जो मेरा आ गया तीन ये वाला तो ऐसे ही चल रहा था अब हम यहाँ पर आ गए दोबारा से हमने वही नियम देखा जिसमें घाते बराबर हों बराबर ना हो और आधार बराबर हो और आधार गुना में हो, तब हम क्या कर देते हैं घातों को जमा जमा और घटा घटा होता है तीन में से पांच गए माइनस के दो हम ऋणात्मक को धनात्मक में कैसे चेंज करेंगे एक बटा तीन की दो उसे उलट कर उसे उलट कर अब हम एक और करेंगे प्रश्न जैसे माइनस तीन की घात चार गुना पांच बटे तीन की घात चार इसे हम कैसे लिख सकते हैं अगर हमने बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है अगर माइनस की घात हो ना माइनस में हो और घात हमारी किसकी हो घात हमारा सम न सम हो सम संख्या हो अगर ये सम संख्या है तो माइनस किस में बदल जाता है जमा में घटा जमा में घटा की चार तीन की चार पांच की चार तीन की चार तीन की चार, तीन की चार से तीन की चार कट जाएगा घटा के चार जमा में बदल जाएगा हमारे पास क्या बचेगा पांच की चार और ये हमारा उत्तर है यह बहुत सरल है एक और क्वेश्चन करते हैं हम एक बटे दो की घात माइनस दो एक बटे तीन की घात माइनस दो प्लस एक बटे चार की घात माइनस दो तो। इसमें हम क्या करेंगे यहां पर हम घातों को पहले धनात्मक घातों में व्यक्त करेंगे धनात्मक घाते मतलब जमा की घात कैसे करेंगे उसे उलट देंगे देखिए दो बटा एक की घात दो जमा तीन बटे एक की घात दो जमा चार बटे एक की घात दो अब दो की घात दो का मतलब होता है दो दो बार तीन की घात दो का मतलब होता है क्या मतलब होता है तीन दो बार ऐसे ही चार की घात दो का मतलब होता है चार दो बार यहाँ पर दो दूनी चार जमा तीन तिया नो और चौक चौकी सोलह अब हम इसे क्या कर देंगे जमा सोलह और चार बीस और नो उनतीस मेरा क्या है उत्तर है इसी तरह कुछ और प्रश्न हम देखेंगे जैसे तीन की घात घटा एक चार की घात घटा एक पांच की घात घटा एक ब्रैकेट बंद और सबकी घात जीरो यहां पर भी हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सारी ऋणात्मक घातों को धनात्मक घातों में बदलेंगे और वो हम कैसे बदलेंगे एक बटे तीन की घात एक एक बटे चार की घात एक एक बटे पांच की घात एक की घात जीरो इसका मतलब हुआ एक बटे तीन जमा एक बटे चार जमा एक बटे पाँच की घात जीरो किसी भी आधार की घात जीरो होती थी तो उसका मतलब क्या होता था कि आंख बंद करके एक लिख दो तो, हमारा उत्तर क्या आएगा एक ये मेरा उत्तर है ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है बहुत ही सरल प्रश्न है अब हम एक और प्रश्न करेंगे जिसमें हमें एम का मान ज्ञात करो एम का मान ज्ञात करो एम का मान कैसे ज्ञात करेंगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये माइनस तीन की घात एम प्लस वन मतलब माइनस तीन की घात एम जमा वन गुना माइनस तीन की घात पाँच बराबर है माइनस तीन की घात सात यहाँ पर भी हमने सेम नियम लगाने हैं वही बराबर देखनी है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे आधार हैं वो क्या है बराबर आधार बराबर है आधार क्या है बराबर तो कौन सा नियम लगेगा अगर आधार बराबर है तो वही अगर आधार बराबर है और गुना में है तो हम क्या कर देते हैं उसे जमा कर देते हैं जैसे माइनस तीन की घात एम जमा एक जमा पाँच बराबर है माइनस तीन की घात सात अब हम इन घातों को जमा कर देंगे पाँच जमा एक छः हम एम में तो जमा नहीं कर सकते ना क्योंकि एम तो हमारा अलग ही है हम सिर्फ एक और छः को जमा कर सकते हैं एक और पाँच को जमा कर सकते हैं अब हम देखेंगे अब हम यहाँ देख सकते हैं घाते घाते अलग अलग हैं घाते अलग अलग हैं लेकिन जो हमारे आधार हैं ना वो बराबर हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मेरे आधार अगर मेरे आधार बराबर हो और हमने उसे बराबर रखा हुआ हो हम यहाँ पे देख सकते हैं बराबर में है आधार बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये पूरी संख्या है ये वाली पूरी संख्या ये वाली पूरी संख्या के बराबर है अगर ये वाली पूरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या के बराबर है तो जो इसके ऊपर हैं, ये जो घाते हैं ये भी बराबर होंगी तो हम इसे आपस में बराबर लिख सकते हैं और अब हम कैसे मान निकालेंगे अब हम अब हम क्या करेंगे हम को दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको हम इधर ले आएंगे और क्या हो जाएगा सात माइनस छे. घटा छ सात घटा छ मतलब घटा क्या हुआ जब हम अपने स्थान चेंज करते हैं अपना स्थान बदल लेते हैं अपने पाले से दूसरे पाले में जाते हैं तब हमारे जो चिन्ह होते हैं अगर जमा का है तो घटा का हो जाएगा गुना का है तो भाग का हो जाएगा भाग का है तो गुना का हो जाएगा मतलब बदल जाते हैं हमारे चिन्ह यह बात ध्यान में रखने योग्य है यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है इसी तरह का हम दूसरा प्रश्न करेंगे ये हमारा पहला प्रश्न था इस तरह का इस तरह का हम दूसरा प्रश्न करेंगे जैसे कि पांच की घात m भाग पांच की घात माइनस तीन बराबर है पांच की घात पांच अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कौन सा नियम लगाएंगे क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी ये जो हमारे आधार हैं वो क्या है बराबर लेकिन जो हमारी घाते हैं वो अलग अलग है तो कौन सा नियम लगेगा घाते बराबर घाते बराबर नहीं है आधार बराबर है और भाग में है जब आधार बराबर हो और भाग में हो तब घाते क्या हो जाती हैं? घटा जैसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं पांच की घात m घटा घटा तीन घटा घटा क्या होता है जमा तीन अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है हमारी दोनों बराबर हैं संख्याएं है? अगर हमारी संख्याएं बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि आधार भी सेम है आधार भी बराबर है और घाते भी बराबर हैं अगर हमारी घाते बराबर हैं तो हम यहाँ पर तो जो दी हुई घाते हैं उन्हें ये जो घाते हैं इन्हें भी ये भी बराबर होंगी तो हम इसे क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं अगर हमने इसे हल करना है हम कैसे करेंगे तीन को दूसरे तरफ लेके जाएंगे दूसरी तरफ लेके जाने से चिन्ह चेंज हो जाएगा तीन के आगे क्या लिखा है हम क्या देख सकते हैं तीन के आगे तीन के आगे लिखा है जमा का निशान यहाँ पर हमारा कौन सा निशान हो जाएगा घटा का निशान अगर हमारा यह घटा का निशान हो जाता है हम क्या लिख देते हैं इसे M का मान हमारे पास आ जाता है दो अब हम क्या करते हैं अब हम करेंगे चार की घात माइनस तीन को घात और उसके आधार दो के रूप में व्यक्त करो सबसे पहला सबसे पहला हमारा हम क्या करेंगे सबसे पहले चार को कैसे लिख सकते हैं हम दो गुना दो की घात घटा के तीन दो गुना दो का मतलब है दो गुना दो का मतलब है दो दो बार दो की घात दो और फिर उसकी घात माइनस के तीन तीन धुनी छ हम क्या लिख देंगे इसे माइनस के छबारा से देखिए चार की घात माइनस के तीन चार की घात माइनस की तीन क्या है दो गुना दो चार को कैसे लिखेंगे पहले हम चार को कैसे लिखेंगे दो गुना दो हमने क्योंकि हमने चार को दो के आधार के रूप में व्यक्त करना है इसलिए हमने क्या लिख लिया चार को दो गुना दो. दो गुना दो का मतलब है दो की घात दो, दो की घात दो मतलब घटा के इस तरह हमने क्या किया चार की घात माइनस तीन को दो आधार के रूप में व्यक्त कर दिया इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं दूसरा प्रश्न कर सकते हैं नौ की घात तीन को घात और उसके आधार तीन के रूप में व्यक्त करो नो की घात तीन यहां पर हम क्या लिखेंगे नो को तीन गुना तीन की घात तीन नो को हम क्या लिख सकते हैं तीन गुना तीन लिख सकते हैं ना और तीन गुना तीन को क्या लिख सकते हैं तीन की घात दो और फिर हमारी दो घातों को अगर हमने एक ही घात में बदलना है उसका भी हमें नियम पता है उसके लिए हम क्या करेंगे तीन की घात को आपस में गुना कर देंगे दो गुना तीन जो हमारा क्या बन जाएगा दो ये मेरा उत्तर है हम एक बार दोबारा से देखेंगे हमने नो की घात तीन को तीन आधार के रूप में व्यक्त करना था तो हम नो को कैसे लिख सकते हैं तीन गुना तीन तीन गुना तीन की घात तीन अब हमने क्या किया तीन गुना तीन का मतलब होता है तीन की घात दो घात तीन अब अब हमने इन दोनों घातों को गुना करना है क्योंकि हमने इन घातों को एक घात में बदलना है एक ही घात में बदलने के लिए घातों को गुना करना पड़ेगा दो गुना तीन। दो गुना तीन मतलब मतलब तीन की घात तो मेरा उत्तर क्या है तीन की घात छे ये मेरा उत्तर है इस प्रकार हम किसी की भी घात को किसी भी आधार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यह करना बहुत आसान है अगर हम सारे नियम याद रखेंगे तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं